हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, कि सीईटी का जो एग्ज़ाम होना था उसकी अभी तक एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया गया, ना ही सीईटी सेल ने अभी तक एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर किया है। क्योंकि आप जानते हैं जो फर्स्ट फेज़ होना था वो 4 to 10 सितंबर तक होना था, एंड जो सेकेंड फेज़ होना था वो 14 to 20 सितंबर होना था। लेकिन अभी एडमिट कार्ड नहीं आया तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि ये एग्ज़ाम कैंसिल है, ठीक है ना। तो अभी नई एग्जाम डेट क्या होने वाली है, इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, बाकी सारी चीज़ें और क्या होना चाहिए, ठीक है। और जो नया नोटिफिकेशन आया है सीटी सेल के थ्रू ऑफिशियली, वो क्या है उसके भी बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले ज़रा समझिए, अभी एडमिट कार्ड नहीं आया तो बहुत सारे बच्चे अपसेट हैं, ठीक है। उनके माइंड में ये बहुत सारा कोलैप्स कर रहा है कि एग्जामिनेशन होगा भी या नहीं, पोस्टपोन होगा या फिर कैंसिल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो पहली बात समझिए ज़रा, एग्ज़ाम तो ज़रूर होगा, ठीक है, पोस्टपोन किया जा सकता है बट कैंसिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 15 डेज की स्ट्रेटजी बनानी है। 15 डेज की स्ट्रेटजी की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, अपलोड कर दी, बहुत सारे बायोलॉजी की ट्रिक भी डाल रखी है, तो आप जाइए उसे देखिए और अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। तो चलिए देख लेते हैं कि ऑफिशियली वेबसाइट पर सीईटी सेल ने क्या नोटिफिकेशन दिया है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीईटी सेल ने क्या बोला है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है इसका, ठीक है। It has come to the notice of this official that a schedule of CET examination is being circulated on social media. जी हाँ, ये बता रहे हैं कि हम आए हैं आपको बताने के लिए कि social media पे जो exam से related news circulate कर रही है उसके बारे में, ठीक है। Okay, all candidates are advised to note that the schedule of CET examination is yet to be declared by the कंपटेंट अथॉरिटी। और बता रहे हैं कि जो भी एग्जाम होगा, जो भी शेड्यूल किया जाएगा, पोस्टपोन किया जाएगा या कैंसिल किया जाएगा या जो भी कुछ किया जाएगा, वो अथॉरिटी के थ्रू किया जाएगा, सोशल मीडिया के थ्रू नहीं, ठीक है। आगे देखिए क्या कहते हैं, आल्सो कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू बिलीव एनी सच एग्जामिनेशन शेड्यूल बींग सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया। दिस शेड्यूल फॉर सीटी एग्जामिनेशन विल ओनली बी अवेलेबल ऑन अवर ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, सून। जी हाँ बच्चों, ये बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे, बिकॉज आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि सोशल मीडिया पे बहुत तरह तरह के लोग अपनी अपनी साइट्स पे क्या कर रहे थे, डाल रहे थे कि सीटी का एग्जाम पोस्टपोन हो गया, इतने दिन से इतने दिन तक नई एग्जाम डेट आ गई है, ठीक है, या फिर एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, आपको जाना पड़ेगा, कल ही जाना पड़ेगा, आज ही जाना पड़ेगा, है ना, बाकी सारी चीज़ें चल रही थी। तो वो कम्प्लीटली फेक थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ही मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको रिलीज कर दूंगा, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाके ऐसी न्यूज पढ़ते हैं तो उस पर बिलीव मत करिए, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप सोशल मीडिया के सिवाय आप ऑफिशियल वेबसाइट ct.org.in, ठीक है, महाराष्ट्र ct.org.in पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं और वहां पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है उनका, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन होता है उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, तो इन्होंने बता दिया कि बहुत जल्दी आ जाएगा। तो अगर हम बात करें कब तक आ सकता है, तो बच्चों देखिए, इन्होंने बोला है वेरी सून, ठीक है, तो जस्ट हम ये मान के चलेंगे कि विद इन अ वीक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी। इसे शेड्यूल करेंगे क्योंकि कंपार्टमेंट एग्जाम्स हैं, बाकी सारे एग्जाम्स हैं, ठीक है, बीच में, तो उनको देखकर एक सुटेबल डेट मेंशन की जाएगी आपके लिए। तब तक आप क्या करेंगे, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी हेजिटेशन, आप क्या करेंगे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो है ही, आपको एग्जाम तो देना ही, ठीक है। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए।